अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ लैंग्वेज वर्क पार्ट सेकेंड ऑफ दिस लेसन टेम्पेस्ट सेकेंड। इट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 है क्या। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये वर्ड्स जो है इनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम होता है वो वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, यानी कि जिसकी मीनिंग अपोजिट हो टू दैट ऑफ अनदर वर्ड। जिस तरह से गुड है उसका अपोजिट वर्ड जो है दैट इज़ बैड, अपोजिट जो मीनिंग में आता है दैट इज़ बैड। इसी तरह ये वर्ड जो है गुड फॉर्चून, इसका अपोजिट है मिस फॉर्चून। फॉर ठीक है, नियर, फॉर मीन्स दूर, इसका अपोजिट जो है नियर है एंटोनियम। तीसरा है इनोसेंट, इनोसेंट का है गिल्टी। फोर्थ वन इज इविल, नोबल। लॉस गेन, कवर्ड ब्रेव ठीक है, पेरिश सर्वाइव, रिमेंबर फॉरगेट, लॉयल डिसलॉयल। तो दीज आर सम वर्ड्स जो आपके बुक वाले ने एक मतलब एक्सरसाइज में है, तो ये हमने इनके एंटोनिम्स बताए। दूसरा पार्ट है इसका, गिव द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको इनके नाउन फॉर्म्स लिखे हैं और आप इनको ये जो सेंटेंसेस यू योर सेल्फ ट्राई टू फ्रेम देयर सेंटेंसेस ठीक है। इनके सेंटेंसेस आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। एक वर्ड है लूज, लूज का नाउन फॉर्म जो है दैट्स लॉस। गिल्टी गिल्ट, रिकॉन्साइल रिकॉन्सिलेशन, ये वर्ड्स जो है जो किस में लिए हैं हमने, जो आपके इस टेक्स्ट बुक में भी लेसन में भी यूज हुए हैं। ट्राई ट्रायल। फिफ्थ वन इज अमेज, इसका नाउन फॉर्म जो है दैट्स अमेजमेंट। सिक्स वन इज गिव, गिफ्ट ठीक है। सेवन है इमेजिन, इसका जो नाउन फॉर्म है दैट्स इमेजिनेशन ठीक है। यानी कि ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं दीज आर द नाउन फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ड्स। हाँ कहाँ बात करें, सिक्स गिव गिफ्ट ठीक है, ये हमने पढ़ा। सेवन इमेजिन, इसका नाउन फॉर्म जो है दैट्स इमेजिनेशन। इसी तरह है प्रिटेंड प्रिटेंस, प्रिटेंड का है जो है दैट्स प्रिटेंस। इसी तरह नाइन्थ है रिपेंट रिपेंटेंस, यानी रिपेंट का नाउन फॉर्म जो है दैट्स रिपेंटेंस। इसी तरह टेंथ वन है ट्रीट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज नाउन फॉर्म ऑफ ट्रीट। सो इसी के इसमें से हमें एक और पार्ट रहा, इसके साथ ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया ठीक है। तो इंशाल्लाह।